यस हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मैकबुक में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम इसी बारे में प्रॉपरली डिस्कस करने वाले ओके सो एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सो गाइज, मेरा नाम है शिवम शुक्ला, आप मेरे चैनल मिस्टर शुक्ला पर जुड़ चुके हो। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलता है, अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, तो एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को ओके। एंड दूसरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक करो, लाइक मुझे और मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ओके। सो ये वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझने वाले हैं। चलिए मिलते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। पहले बात, आपको सर्च कर लेना है एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल पे। अब जैसे ही सर्च करेंगे आप, आपको दूसरे वेबसाइट पे आ जाना है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड टूल्स पे ओके। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड, उस पर क्लिक करके आई हैव रीड एंड मैक विथ एप्पल चिप, ये वाला आपको सेटअप डाउनलोड कर लेना है ओके। तो अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं डाउनलोड होने का। एक बार डाउनलोड हो जाता है तो फिर आगे डिस्कस करते कि क्या होने वाला है ओके। सो पहले इतना स्टेप आपको कंप्लीट कर लेने ना, इसके बाद वाले स्टेप पे हम समझेंगे कि क्या करते हैं। सो अब बेसिकली लगभग लगभग आप देख रहे हो कि डाउनलोड होने जा रहा है यहाँ पर पीछे। सो अब समझेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये सेटअप मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, मैं क्लिक करूँगा शो इन फोल्डर पे और डबल डबल क्लिक करूँगा इस स्ट्रक्चर्स पे और ये एंड्रॉयड सेटअप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा एप्लीकेशन में, तो ये एप्लीकेशन की तरफ इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा ओके। मैकबुक में इसी तरीके से बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक स्क्रीन पे अभी एक ऑप्शन ओपन होके आएगा, वेट कर लेता हूँ उसका, या फिर अगर एप्लीकेशन में आप जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो आ चुका है, या फिर मैं यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो पे अब क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ सेटअप करने पड़ेंगे ठीक है, वो क्या सेटअप्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो मैं इस पर ओपन पे क्लिक कर दूँगा ओके। अब जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा तो मैं एक सेटिंग लेके चलूँगा नीचे वाला, या फिर नीचे वाला है डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग ओके। ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही करूंगा यहाँ पे डोंट सेंड पे मैं क्लिक करूंगा ओके। आपको मतलब गूगल को हर देना ज़रूरी नहीं इन्फॉर्मेशन। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अगेन कस्टम पे मैं यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा नेक्स्ट एंड मुझे वही चाहिए नेक्स्ट। और यहाँ पे सब कुछ सेटअप है ओके। अगेन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये जितने भी आप देख पा रहे होंगे पीछे, इसको क्यों डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउ कर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हर एक पे क्लिक करके एक बार आप चेक कर लें कि एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक्सेप्ट लिखा है, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते जाना है ओके। अब ये होने के बाद एक बार पूरा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक्सेप्ट एंड आई बिलीव हाँ एक्सेप्ट हो गया। अब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। अब मैं वेट करूँगा इसके प्रॉपर डाउनलोड होने का ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी वाईफाई पहली बात तो स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं जो स्पीड है मैकबुक या फिर जो भी लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्पीड वगैरह थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बात बन जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि अगेन अगर आपको ये वीडियोस मेरे वीडियोस जो बेसिकली होते हैं बहुत छोटे होते हैं और टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं करते और मैक्सिमम नॉलेज आपको देके जाते हैं, तो अगेन वही चीज़ मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब एंड लाइक, विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी ओके। सो अभी मैं वेट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो अराउंड अराउंड ये 10 मिनट डाउनलोड करने के लिए लेता है। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ऑटोमेटिकली, जैसा आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, कि अनजिपिंग शुरुआत हो जाती है ठीक है। सो ये अनजिपिंग शुरुआत होती है, ये पूरे पैकेज को रिकनसाइल करता है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करता है। तो जस्ट वेट अ सेकेंड की और कितना होता है, मेरे ख्याल से अराउंड और 2 मिनट से लेगा। सो प्रॉपर ये जब तक अनजिपिंग नहीं हो जाता तब तक ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा नहीं
पे आप देख पा रहे होंगे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब जैसे ही मैं फिनिश करूँगा, एक मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और कोई भी एक इम्पटी जो है उस पर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड आप जो भी यहाँ पे ऐप का नेम वगैरह देना चाहते हो, राइट, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो पहले पूरा का पूरा एक सेटअप करेगा, यू नो ग्रैंडल, मतलब विच मीन्स कि आप ऐसा समझ लो कि अपने आप को पूरी तरीके से सेटअप करने वाला है। ओके, क्या क्या न्यू फीचर्स हैं यहाँ पे उसने दे रखा है, तो ये यहाँ पे भी अराउंड अराउंड 2 मिनट्स या फिर 5 मिनट, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट, इस तरीके की चीज़ें लेता है, होने की कगार पर है। तो अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि वर्चुअल डिवाइस कोई इंस्टॉल हुई है क्या, जो कि अराउंड 801 वगैरह MB की होती है। तो हम जाएंगे टॉप राइट कॉर्नर पे मोबाइल का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे। तो यस, डाउनलोड हो चुका है, प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये लोड होना चालू हो गया है डिवाइस, ठीक है, रन होना चालू हो गया है। वेट करेंगे थोड़ा सा, इसको रन होने देंगे। या आप देख सकते हो आ गया है। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको बाहर इस मतलब एक अलग सा इसका मैं एक पेज बना दूंगा, राइट, इस तरीके से, और इसको प्रॉपर सेटअप कर दूंगा कि जब भी मैं कोड करूँ तो मुझे प्रॉपरली पता चलता रहे कि किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं इसको सेटअप कर लिया अच्छे तरीके से, यहाँ से देख रहा हूँ आप कम्प्लीटली परफेक्टली जो ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो अच्छी तरीके से रन कर रहा है, यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस वगैरह भी कम्प्लीटली रन कर रही है। तो ये था एक तरीका मैकबुक में चीज़ों को यू नो इंस्टॉल करने का, किस तरीके से करना है। तो सेम यही चीज़ें, यही सेटिंग्स आपको फॉलो करनी है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2023 चल रहा है और वो भी अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई में हम आने वाले हैं, राइट। यहाँ पे डिवाइस स्टार्ट हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइस वगैरह भी स्टार्ट हो गई। तो ये गाइस कंप्लीट इस तरीके से वीडियो था। आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, ये चैनल्स आपको वैल्यू मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, राइट। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको मिलती रहेंगी। मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि जितना नॉलेज मुझे है इस मिस्टर शुक्ला यूट्यूब चैनल के ज़रिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, हम लोग को भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, राइट। तो फॉर दैट रीज़न आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर, या फिर जो आपको नहीं समझ में आता हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बना दिया करूँगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।